हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंक्शन एंड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कहाँ से आया है, क्या बात करेंगे, फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे, देखेंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन कहाँ से आता है। नॉर्मली हम बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन मीन्स दोस्तों, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सब रिलेशन आते हैं। रिलेशन से पहले हमको पता है सेट थ्योरी के बारे में। रिलेशन यहाँ पर आता है, रिलेशंस के पहले हमको पता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बारे में पता है। सेट थ्योरी मीन्स सपोज टू सेट्स, जब हम उसके बीच में रिलेशन निकलते हैं, वहाँ पर अलग अलग रिलेशन होता है। वन वन रिलेशन होता है, वन वन रिलेशन होता है, वन मैनी रिलेशन होता है, एंड मैनी मैनी रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पर क्या जान सकते हैं, सेट थ्योरी से आया है रिलेशन और रिलेशन से आया है फंक्शन। यहाँ पर हम बोल सकते हैं जब रिलेशन को हम परफेक्टली डिफाइन कर सकते हैं उसको हम फंक्शन बोलते हैं। जब रिलेशन को हम परफेक्टली डिफाइन कर सकते हैं उसको हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन से ही कंटिन्यूटी आता है, फंक्शन से ही कंटिन्यूटी आता है। तो फंक्शन को हम देखेंगे, जानेंगे कंटिन्यूटी क्या है। जब फंक्शन को हम ग्राफ में ड्रा करने के लिए ट्राई करेंगे, मीन्स ग्राफ ड्रॉज मीन्स जब फंक्शन को हम ग्राफ में ड्रा करने के लिए देखेंगे, अभी देखेंगे उसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन भी हम बोल सकते हैं। देखेंगे, जाएंगे नेक्स्ट पेज में। सपोज हम देखेंगे एक फंक्शन लेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन लेंगे, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला मीन्स उसको हम पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला को हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, हम प्रीवियस क्लास में, हम छोटा क्लास में भी हम देखे हैं, नीचे वाला क्लास में भी हम देखे हैं। ऐसे पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स y एक्सिस में होगा पैराबोला, ऐसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स ऐसे, सॉरी यहाँ पर ऐसे होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स ऐसे होगा, ऐसे यहाँ दिस इज़ द एक्स एक्सिस और दिस इज़ द वाई एक्सिस और यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो, उसका वैल्यू है जीरो, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू भी जीरो आएगा, और एक्स का वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो कुछ भी पॉजिटिव पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू भी आएगा, और एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू वो वाई एक्सिस में ही आएगा। तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तब हम यहाँ पर देखेंगे जे कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी और कंटिन्यूस क्या है। मीन्स जब हम कॉमन सेंस के बात बोलेंगे, जब हम बिना पेन उठाए एक फंक्शन का ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ना कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। कंटिन्यूस मीन्स लगातार, मीन्स विदाउट एवरेज चेंज हम बोल सकते हैं विदाउट एवरेज चेंज। यहाँ पर हम तुम खुद देख सकते हो, जब हम बिना पेन उठाए उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं ड्रॉ कर सकते हैं उसको, जब यहाँ पर हम बोल सकते हैं जब
बिना पेन उठाए हम एक फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं ना, कंटिन्यूस फंक्शन। देखेंगे एक पॉइंट पर, उसके बाद देखेंगे एक पॉइंट पर एक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का लिमिट क्या होता है। सपोज यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट मैं ली, उस पॉइंट का नाम ए है, मतलब फंक्शन का वैल्यू एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए। और हम फंक्शन का लिमिट कब बोलेंगे, लिमिट क्या होता है, लिमिट मीन्स जब एक फंक्शन को हम इसी उसी पॉइंट तक अप्रोच करने को, एक पॉइंट को उसी, एक फंक्शन को उसी पॉइंट तक अप्रोच करने को हम लिमिट बोलेंगे। मीन्स यहाँ पर दो तरीके से लिमिट हो, अप्रोच हो सकता है, और लेफ्ट साइड से हो सकता है और राइट साइड से भी हो सकता है। एक्स यहाँ पर भी जा सकता है और एक्स उस तरफ से भी आ सकता है। सपोज दिस इज़ द नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्स लेस देन ए और यहाँ एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए। तो हम बोल पाएंगे जब एक्स यहाँ पर एक्स का वैल्यू इक्वल टू ए, तो यहाँ पर बट उस तरफ यहाँ पर बट यहाँ तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू ए से छोटा है और यहाँ पर एक्स का वैल्यू बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं जहाँ पे एक्स का वैल्यू ए से छोटा है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहाँ पे एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है वहाँ पे हम बोलेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जोश में है। तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ ए। तो हम मैथमेटिकली एक देखेंगे, एक फंक्शन लेंगे सपोज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है इक्वल टू टू और फोर, टू जब एक्स का वैल्यू जीरो से छुट्टा और इक्वल है, और एक्स का वैल्यू जब जीरो से बड़ा है। हम देखेंगे यहाँ पर अपवर्ड चेंज, यहाँ पर क्या है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, कंटिन्यूस हो रहा है कि डिसकंटिन्यूस हो रहा है कि क्या हो रहा है, हम देखेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, मतलब एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर दिस इज़ द एक्स एक्सिस और दिस इज़ द वाई एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस, और हम देखेंगे दिस इज़ द पॉजिटिव साइड और दिस इज़ द नेगेटिव साइड, और यहाँ पर इसका वैल्यू है जीरो। और हम देखेंगे एक्स का वैल्यू जब जीरो से छोटा है और इक्वल है और एक्स से बड़ा है, फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा है और इक्वल, मीन्स यहाँ पर हम लेंगे वन, यहाँ पर लेंगे टू, यहाँ पर लेंगे थ्री और यहाँ पर लेंगे फोर। हम देखेंगे क्या, एक्स का वैल्यू जब जीरो से छोटा है और इक्वल है, मतलब यहाँ से टू को इंक्लूडिंग टू, मीन्स कंटिन्यूसली टू, ऐसे वो ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब ऐसे कंटिन्यूस रहेगा। यहाँ पर है, यहाँ पर था क्या टू, यहाँ पर कंटिन्यूसली रहेगा ऐसे, है ना, कंटिन्यूसली रहेगा। और जब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है, मीन्स एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो से फोर है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, फोर, यहाँ पर तो वो बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव साइड में रहेगा, और छोटा है मतलब वो नेगेटिव साइड में रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखें, यहाँ पर अपवर्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पर अपवर्ड चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं
इससे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। हम कॉमन सेंस वाला के बात क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बिना पेन उठाए एक फंक्शन को ड्रॉ नहीं कर सकते, बिना पेन उठाए एक फंक्शन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या सीखे जी, हम कंटिन्यूस क्या है, डिसकंटिन्यूस क्या है, जहाँ पे एक फंक्शन को हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। और जब हम एक फंक्शन का ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं उसको हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, देन मैथमेटिकली देखेंगे क्या है। मैथमेटिकली हम देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब x जब जीरो से छोटा है वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब x जीरो से छोटा है, x जीरो से छोटा है, इसको हम लिमिट के लिमिट के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो माइनस और f ऑफ x, मतलब फंक्शन फंक्शन ऑफ x, जीरो माइनस, माइनस मीन्स जस्ट स्मॉल, फंक्शन के पॉइंट से जस्ट उस पॉइंट से जस्ट छोटा है, जीरो से जस्ट छोटा है, मतलब जीरो माइनस मीन्स जीरो से जस्ट छोटा है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ x, मतलब जीरो से जब x जब जीरो से छोटा है उस टाइम में फंक्शन का वैल्यू कितना है, टू है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x मीन्स टू, तो उसका वैल्यू होगा टू। और उसके बाद देखेंगे क्या, RHL मतलब RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, जब x जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा, जब x बड़ा होगा उसको हम क्या बोल, मतलब क्या निकालेंगे उस तरफ, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तब हम लिमिट के हिसाब से कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस और f ऑफ x, x टेंस टू जीरो प्लस f ऑफ x मीन्स जीरो प्लस मीन्स जीरो से जस्ट बड़ा है, जीरो से जस्ट बड़ा है, x प्लस मीन्स जीरो से जस्ट बड़ा है। तब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन का वैल्यू जब x से बड़ा है तब फंक्शन का वैल्यू कितना है, फोर, तो वैल्यू हमारा रिजल्ट आ गया फोर। और यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, f ऑफ जीरो, जीरो पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, टू। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है। तो यहाँ पर भी मैथमेटिकली हम देख सकते हैं ये दोनों, मतलब दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। और कॉमन सेंस वाला तो हम बोल ही सकते हैं, उसको हम बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो उसको डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। देन एक एग्जांपल लेंगे बेसिक एग्जांपल, सपोज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे, जीरो इक्वल टू जीरो जीरो जब जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो और वन बाई टू माइनस एक्स जब जीरो लेस देन वन बाई टू और वन बाई टू जब x इक्वल टू वन बाई टू और थ्री बाई टू
लीड टू ग्रोथ डेवलपमेंट एस्पिरेशन थ्री बाय टू ग्रोथ माइनस एक्स थ्री बाय टू माइनस एक्स जब हाफ जब हाफ लेस देन एक्स लेस देन वन और यहाँ पर वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन हम एक क्वेश्चन लिए उस क्वेश्चन को हम देखेंगे वन बाय वन सॉल्व करेंगे देखेंगे और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट की बात है सपोज एल एच एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए और इक्वल टू आर एच एल आर एच एल यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं बोल देती हूँ जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट नॉट इक्वल टू आर एच एल वहाँ उसको हम क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट उसको हम राइट हैंड कंटिन्यूटी बोलते हैं तो हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में यहाँ पर हम एक्स इक्वल टू जीरो पर और एक्स इक्वल टू वन बाई टू और एक्स इक्वल टू वन तीनी थ्री पॉइंट्स में हम निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू फर्स्ट देखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन का वैल्यू क्या है एफ ऑफ जीरो फंक्शन का वैल्यू क्या है एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन का वैल्यू क्या है एफ ऑफ जीरो मीन्स क्या है जीरो और जीरो कहाँ कहाँ पर है जीरो एक्स पर है और यहाँ पर जीरो है और एक्स कहाँ कहाँ पर है यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर जीरो है तो हम फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर लेकर आएंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन का वैल्यू कितना है जीरो और जब जीरो फंक्शन से छोटा है तब एक्स इक्वल टू फंक्शन से छोटा है मतलब जीरो से छोटा है जस्ट छोटा है तब हम देखेंगे क्या ना एफ ऑफ सॉरी आर एच एल आर एच एल आर एच एल मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो प्लस भूर भूर उठी के माने चार्ज नीचे पाखर हो जीरो प्लस मींस वन बाय टू माइनस एक्स वन बाय टू माइनस एक्स मींस जीरो से जस्ट छोटा है आर एच एल जीरो से जस्ट छोटा है मतलब आर एच एल लिमिट हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट तो वहाँ पर देखेंगे एक्स का वैल्यू जब हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हम उसका वैल्यू निकल क्या आएगा वन बाई टू सो यहाँ पर वन बाई टू आया तो यहाँ देखें क्या जे फंक्शन का वैल्यू नॉट इक्वल टू आर एच एल तो वहाँ पर हम इसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या है डिसकंटिन्यूस है देन हम उसके बाद हम देखेंगे क्या एट एक्स इक्वल टू हाफ पर देखेंगे एट एक्स इक्वल टू हाफ कहाँ कहाँ पर है देखेंगे यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू कहाँ कहाँ पर है एट एक्स इक्वल टू हाफ यहाँ पर है यहाँ पर है और यहाँ पर है तो यहाँ पर हम हाफ फंक्शन से क्या है बड़ा है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे फंक्शन हाफ से क्या है छोटा है तो यहाँ पर हम क्या निकलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन यहाँ पर हाफ से सेम है और इक्वल है यहाँ पर हम निकलेंगे फंक्शन का वैल्यू निकलेंगे और यहाँ पर एक्स हाफ से क्या है बड़ा है
तो हम यहाँ पर क्या निकलेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकल आया। देखते हैं सारे का निकलेंगे एट एक्स पर, पहले एट एक्स पर हाफ मतलब वन बाई टू जब फंक्शन व्हेन जब फंक्शन एफ ऑफ हाफ क्या है, एफ ऑफ हाफ क्या है, हाफ है फंक्शन, जब फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ हाफ पर क्या है, फंक्शन का वैल्यू जब एक्स हाफ है तब फंक्शन का वैल्यू क्या है, हाफ है, और जब फंक्शन का वैल्यू हाफ से छोटा है मतलब एल एच एल निकलेंगे, एल एच एल निकलेंगे इक्वल टू क्या है, लिमिट क्या निकलेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू हाफ प्लस, हाफ प्लस मीन्स जब हाफ से जस्ट बड़ा है, हाफ से जस्ट बड़ा है मीन्स यहाँ पर जब एक्स लेस देन हाफ और वन बाई टू तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, लिमिट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू हाफ प्लस अ फंक्शन क्या है, वन बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम एक्स इक्वल टू हाफ पुट करेंगे तो एल एच एल क्या निकलेगा, इक्वल टू जीरो निकलेगा, इक्वल टू जीरो आएगा। उसके बाद आर एच एल निकलेंगे, आर एच एल मीन्स जब फंक्शन का वैल्यू हाफ से बड़ा है, जब फंक्शन का वैल्यू हाफ से बड़ा है मीन्स यहाँ पर है, यहाँ पर मीन्स जब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फंक्शन का वैल्यू मीन्स एक्स का वैल्यू हाफ से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर हम आर एच एल निकलेंगे आर एच एल इक्वल टू लिमिट, बड़ा मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, एक्स हाफ से बड़ा है मतलब जस्ट बड़ा है हाफ प्लस इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम फंक्शन ऑफ एक्स के जब एक्स का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू हाफ से बड़ा है तब फंक्शन का वैल्यू कितना है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू हाफ प्लस फंक्शन का वैल्यू कितना है, थ्री बाई टू माइनस एक्स मीन्स जब एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे कितना, वन बाई टू, तो वो थ्री बाई टू मीन्स कितना, डेढ़ से हाफ जाएगा तो वन बचेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखें कि आर एच का वैल्यू वन है और एल एच का वैल्यू जीरो है, तो वहाँ पर आर एच एल और एल एच एल सेम नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं कि एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल सो दिस इज द डिसकन्टिन्यूस फंक्शन एट फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ। उसके बाद देखेंगे एट एक्स इक्वल टू वन पर देखेंगे एट एक्स इक्वल टू वन कहाँ कहाँ पर है, पहले देखेंगे एट एक्स इक्वल टू वन कहाँ कहाँ पर है। एट एक्स इक्वल टू वन कहाँ कहाँ पर है देखेंगे, यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू वन यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है मतलब यहाँ पर एक्स वन से मतलब एक्स फंक्शन वन से छोटा है, मतलब यहाँ पर हम फंक्शन का वैल्यू वन से छोटा है, कंटेंट्स बेसिक कंपोनेंट्स
देखेंगे क्या यहाँ पर फंक्शन का एक्स का वैल्यू वन से छोटा है, मतलब यहाँ पर हम एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू वन से बड़ा है और इक्वल है, मतलब यहाँ पर ही फंक्शन का वैल्यू और आर एच एल हम निकालेंगे। देखते हैं, देखते हैं यहाँ पर जब एल एक्स का वैल्यू वन से छोटा है, मतलब वन से छोटा है मतलब हम क्या निकलेंगे, एल एच एल, एल एच एल मतलब, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट वन से छोटा है मतलब वन एक्सटेंड्स टू वन माइनस, मतलब जस्ट छोटा है उस फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स उस टाइम में जब एक्स का वैल्यू वन से जस्ट छोटा है तब फंक्शन क्या है, फंक्शन का वैल्यू कितना है एक्स टेंस टू वन माइनस, तब फंक्शन का वैल्यू कितना है थ्री बाई टू माइनस एक्स, थ्री बाई टू माइनस एक्स है। तो यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू कितना डालेंगे एट एक्स इक्वल टू वन, तो डेढ़ से वन जाएगा तो हाफ बचेगा, तो वहाँ पर हाफ है, एल एच निकल गया हाफ। और यहाँ पर देखेंगे आर एच एल, आर एच एल जब एक्स वन से बड़ा है और इक्वल है, आर एच एल इक्वल टू तो इक्वल ही होगा ना, फंक्शन आर एच एल और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ वन, फंक्शन ऑफ वन सॉरी यहाँ पर फंक्शन ऑफ वन, फंक्शन ऑफ वन होगा, फंक्शन ऑफ वन होगा, फंक्शन ऑफ वन कितना है आर एच एल और फंक्शन ऑफ वन, और जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन तब फंक्शन का वैल्यू कितना है वन। तो यहाँ पर एल एच एल डज नॉट इक्वल टू, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, आर एच एल एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, बट आर एच एल इक्वल टू, आर एच एल इक्वल टू, आर एच एल इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू। तो हम उसको, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि वो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड कंटिन्यूस फंक्शन, राइट हैंड कंटिन्यूस फंक्शन। इस पॉइंट में एक्स का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन पर राइट हैंड कंटिन्यूस फंक्शन होगा, राइट हैंड कंटिन्यूस फंक्शन हम बोल सकते हैं। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।